वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने कामों में अच्छे से बिजी होंगे, अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक जो है बहुत ख़ास है। आज आप देख रहे होंगे सारे बर्ड्स नीचे उतरे हुए हैं, सॉफ्ट फूड खा रहे हैं। तो सॉफ्ट फूड मैं कैसे यूज़ करवा रहा हूँ, क्या चीज़ कैसे यूज़ करवा रहा हूँ, मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा जो मैंने ब्रीडिंग फार्मूला आपको मैंने बताया था ना, तो वो मैं इसके अंदर ऐड करके चला रहा हूँ वो सॉफ्ट फूड के अंदर। वो कैसे के सॉफ्ट फूड में रात को जैसे कि गंदुम हो गई, चना हो गया, और अपना हरी दाल हो गई, छिलके वाली, ये चीज़ मिक्स करके सॉफ्ट फूड बना के ये चीज़ चलाता हूँ मैं, ठीक है ना। तो मैं ये चला रहा हूँ, इसके अंदर मैं तकरीबन भी पाव के करीब भिगोता हूँ अपने बर्थ के लिए। पाव आधा किलो, तकरीबन भी आधा किलो के करीब बर्थ के लिए भिगोता हूँ मैं। तो उसके अंदर मैं ज़्यादा नहीं 20 कतरे डाल देता हूँ, तो पानी की मात्रा वैसे ही कम होती है, तो पानी के अंदर उसके अंदर 20 कतरे डाल देता हूँ। तो 20 कतरे उसके अंदर डाल देता हूँ, इसके अंदर मैश हो जाता है, इसको हिला देता हूँ अच्छी तरह से। तो जो सॉफ्ट फूड है वो जो ये खा रहे हैं अभी आपको दिख रहा होगा, ये देखें बर्ड्स खा रहे हैं कितने शौक से खाते हैं ये। तो सॉफ्ट फूड जब मैं रखता हूँ, सॉफ्ट फूड माशाल्लाह ये अच्छे से खा लेते हैं, कोई इसके अंदर वो नहीं है परेशानी। सॉफ्ट फूड के अंदर अच्छे से वो चीज़ मिक्स हो जाती है, जो मेडिसिन ड्रॉप है वो अच्छे से इसके अंदर जब्त हो जाती है, क्योंकि आपको पता है वाटर है ये, पानी पीती है, गंदम चना और दाल ये चीज़ पानी पीते हैं, तो इसी वजह से फूलते हैं। तो ये मैं कितने घंटे के लिए भिगो के रखता हूँ ये भी आपको मैं बताता हूँ। आज मैं तकरीबन भी इसको 12 घंटे पूरे भिगोता हूँ। गर्मियों के टाइम की रूटीन बता रहा हूँ, ये सर्दियों की अलग रूटीन होगी, गर्मियों की रूटीन बता रहा हूँ मैं। 12 घंटे तकरीबन भी आपको भिगो के रखना है कम से कम, क्या 12 घंटे आपको भिगो के रखना है। अगर उससे ज़्यादा मज़ीद रखेंगे आपके जो पानी होगा उसके अंदर स्मेल पैदा हो जाएगी, आपके जो सॉफ्ट फूड होगा वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए सिर्फ ज़्यादा नहीं, 12 घंटे आप भिगो के रखें इसको, ठीक है ना। उसके अलावा सॉफ्ट फूड देने के अलावा आप अगर आप मिक्स दाना देते हैं, मिक्स फीड देते हैं बर्ड्स को तो बेटर है। अगर आप बाजरा खिला रहे हैं तो सिर्फ बाजरा नहीं दें, उसके अलावा भी आप बर्ड्स को दें, आप अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। माशाल्लाह माशाल्लाह आपको मैं अगली वीडियो के अंदर प्रोग्रेस भी दिखाऊंगा। माशाल्लाह मेरे पास तो एक ले कर दी हैं, एक जोड़े ने तकरीबन 4 एग ले करे हैं अभी, 4 या 5 एग ले कर दी हैं मटकी के अंदर, क्योंकि वो बैठी रहती है तकरीबन 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए वो मटकी के अंदर बैठी रहती है। दिन तो ज़्यादा हो गए पर वो मटकी उसने छोड़ी नहीं है, पकड़ी हुई है अभी। फ्रेंड आप ये देखें कि सॉफ्ट फूड कितना शौक पे खा रहे हैं, और आप पानी का नोट करें, आप पानी कितना क्लीन और साफ़ है। मैं पानी के अंदर ये जो गंदम खा रहे हैं ये सॉफ्ट फूड खा रहे हैं, पानी रखा हुआ है इसके पास, तो सॉफ्ट फूड खाते खाते ये पानी के अंदर भी गंदम आ जाती है, पानी के अंदर भी मैच हो जाती है, मिक्स हो जाती है। तो इसका आपको क्या करना है कि गंदम खाने के बाद फारिग हो जाए ये गंदम खा के, तो आपको गंदम रख के पानी नहीं हटाना है कभी भी, आप ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है। तो आपको पानी इसके अंदर गंदम आ जाती है, चना का छिलका, चना या कुछ भी एक फेवरेट ऐसी की चीज़ें आ जाती हैं, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको पानी वगैरह नहीं उठाना है, आप पानी रखे रहने दें, आपके बर्ड्स गंदम वगैरह खाएंगे अच्छे से खा लेंगे। तो खाने के बाद जो भी गंदम वगैरह ख़त्म हो जाए आपका, आधे घंटे के अंदर फिनिश होना चाहिए जो आप गंदम रखे हैं, या कोई भी चीज़ फूड रखें आप,
आधे से ज़्यादा, आधे घंटे से ज़्यादा उसको केज के अंदर नहीं रखें। ग्रीन फूड हो गया, कुछ भी एक्सपायर्ड ऐसी चीज़ हो गई, वो उसको आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रखें। आपको फिर मैं बोल रहा हूँ, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रखें। उसके अंदर फंगस पैदा हो जाता है, फंगस पैदा हो जाता है तो बैक्टीरिया वगैरह ये वो बर्ड्स के लिए बीमारी का वायरस बनते हैं वो, ठीक है, मोशन लग जाते हैं। फिर एक्सपायर्ड बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप माशाल्लाह बर्ड देखें, मटकियों के अंदर जाने की कोशिश करें, मटकियों पर बैठे हुए आपको नज़र आए, ये देखें मटकियों पर बैठे हुए ये बर्ड्स, काफ़ी बर्ड्स अभी मटकियों में भी हैं। मैं ज़्यादा वॉच नहीं करता कि मटकियों के अंदर जाके नहीं देखता हूँ। हफ्ते में एक बार अब सफाई हो रही है, अब हफ्ते में एक बार मैं सफाई कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ कि रोज़ रोज़ सफाई हो, क्योंकि बर्ड्स डिस्टर्ब होगा, उसको नेचुरल माहौल चाहिए। जंगलों में ये इतनी साफ सुथरी जगहों पर तो नहीं रहते हैं ना। आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि पानी खड़ा ना हो किसी जगह के ऊपर, उसके अंदर बीट वगैरह ये वो चीज़ें गिरी भी होंगी, उससे वायरस पैदा होगा, वायरस पैदा होगा तो आपके बर्ड्स को भी लग सकता है। आप सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है। और देखें, आप मैंने एयर कूलर भी बंद किया हुआ है अभी, इसी वजह से कि ठंडा मौसम है। आपको मैं सॉफ्ट फूड के बारे में बताया मैंने आपको, आपको सॉफ्ट फूड ऐसे यूज़ करवाना है, आपको आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। जिस भाई के तो बर्ड सॉफ्ट फूड नहीं खाते हैं, उस बारे में मैं बता दूं कि आप बाजरा उसका हटा लें, दाना हटा लें, जो भी रखते हैं सीड है उसको आधे घंटे पहले एक घंटे पहले हटा लें, फिर उसके बाद सॉफ्ट फूड रखें। इंशाल्लाह आपके बर्ड दो तीन दिन नहीं खाएँ, उसके बाद खाने लग जाएंगे आपके बर्ड्स। या तो आप जिस भाई से ले रहे हैं उससे मालूम कर लें, ठीक है। इसी के साथ आप अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। किसी नई वीडियो में मिलेंगे।